आप देखिएगा, 10वीं की परीक्षा जब तक रहती है उसमें लड़कियां आगे रहती हैं, 10वीं के बोर्ड के जब परिणाम आते हैं। 12वीं के बोर्ड के परिणाम में लड़कियां थोड़ा पीछे होती हैं, और फिर जब प्रवेश परीक्षाओं एंट्रेंस जितने होते हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और जितने भी होते हैं, उनमें लड़कियां और पीछे हो जाती हैं। ये क्यों होता है? दिमाग की कमी है। और दिमाग की कमी है तो क्या 10वीं तक दिमाग ठीक था, 10वीं के बाद दिमाग खराब हो गया? नहीं, 10वीं के बाद जिंदगी में देह आ गई, सारा ध्यान उधर चला गया। लड़की 10वीं तक अच्छे नंबर लाती है आमतौर पर, 12वीं में कम होने लग जाते हैं, और उसके बाद और एकदम कम कम कम। उसके बाद वो अपनी दृष्टि में भी देह बन जाती है, और समाज तो उसे प्रतिपल यही एहसास कराता रहता है कि तू देह है, तू देह है, तू देह है। देखो लड़कियां कितने संतुलित और शांत और सभ्य तरीके से चलती हैं, कितनी सुसंस्कृत होती हैं। वो सुसंस्कृत नहीं है, 6ठी 7वीं 8वीं के होते होते तुमने उसके दिमाग पे एक पहाड़ सा बना दिया है कि तू जरा ठीक से चला कर। लड़के कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके कपड़े भी फट जा रहे हैं। मजाल है कि कोई लड़की इतनी जोर से कूद फांद कर दे उसे कपड़े फट जाएं?